हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले न्यूप्लेशिया एंड इट्स प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो न्यूप्लेशिया की डेफिनेशन समझने के पहले एक छोटा सा डाउट है जो आपके मन में कभी ना कभी आता होगा, तो उसे मैं अभी के अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। न्यूप्लाज्म को हम ट्यूमर कह सकते हैं या फिर ट्यूमर न्यूप्लाज्म हो सकता है, लेकिन सभी न्यूप्लाजम्स कैंसर नहीं हो सकते और सभी ट्यूमर्स भी कैंसर नहीं हो सकते। उन्हें कैंसर एक स्पेसिफिक कंडीशन में कहा जाता है। हम वो स्पेसिफिक कंडीशन अभी देखेंगे। न्यूप्लाज्म या ट्यूमर के दो प्रकार हैं, पहला बेनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। उनमें से जो पहला बेनाइन न्यूप्लाज्म है वो कैंसर नहीं होता है, और जो दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसर होता है। मैलिग्नेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा डेंजर या फिर ज़्यादा हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू बेनाइन न्यूप्लाज्म। उसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ न्यूप्लेशिया। न्यूप्लाज्म और ट्यूमर इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ टिश्यू फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेट ऑटोनॉमस एंड पर्पसलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्रोथ स्टिम्यूल्स विच कॉज इट। न्यूप्लेशिया की डेफिनेशन में बताया गया है, जब सेल्स का एबनॉर्मल तरीके से हद से ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है, उसके रिजल्ट में टिश्यूज़ का मास फॉर्म होता है, तो उसे न्यूप्लेशिया या ट्यूमर कहा जाता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ न्यूप्लेशिया देखने के पहले हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इस शब्द का मतलब जान लेते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कंडीशंस होते हैं जो डिसीज़ के डेवलपमेंट का कारण बन सकते हैं, या फिर उन पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर डिसीज़ का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ चार प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम देखेंगे न्यूप्लेशिया के, जो न्यूप्लेशिया के डेवलपमेंट का कारण बन सकते हैं। उनमें से पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जिसमें आता है एज एंड जेंडर। सेकंड है फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। थर्ड रेशियल एंड ज्योग्राफिक फैक्टर्स। फोर्थ इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इन चारों में से हम पहला प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखेंगे न्यूप्लेशिया का, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, जिसमें आता है एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स फॉर डिफरेंट कैंसर्स। एज कैंसर्स ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली इन ओल्डर इंडिविजुअल्स पास फिफ्थ डेकेड ऑफ लाइफ। टू थर्ड ऑफ ऑल कैंसर्स ऑकर अबाउ 65 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड जेंडर, मोस्ट ट्यूमर्स आर जनरली कॉमन इन वुमन आर कैंसर ऑफ ब्रिस्ट, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर, कैंसर ऑफ थायरॉयड, वाइल लंग कैंसर इज कॉमनेस्ट कैंसर इन मैन। एज और जेंडर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स है डिफरेंट कैंसर्स के लिए। उनमें से जो पहला है एज, फिफ्थ डेकेड ऑफ लाइफ, जीवन का पांचवा दशक, जिसका मतलब होता है 50 साल के बाद के जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनमें कैंसर अधिक बार होता है। टू थर्ड ऑफ ऑल कैंसर्स, टू थर्ड ऑफ कैंसर एक टाइप है जिसे एडल्ट कैंसर कहते हैं, वो 65 ईयर्स के बाद के जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है उनमें होता है। सेकेंड है जेंडर, कुछ ट्यूमर्स महिलाओं में कॉमन होते हैं, जिसमें आता है कैंसर ऑफ ब्रिस्ट, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर, कैंसर ऑफ थायरॉयड, जबकि लंग कैंसर पुरुषों में कॉमन होता है। न्यूप्लेशिया का सेकेंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन एंड हेरिडिटी प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स। सम ऑफ द कैंसर्स विथ फैमिलियल ऑकरेंस आर ऑफ द कोलन, ब्रेस्ट, ओवरी, ब्रेन एंड मेलेनोमा। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स आर रेटिनोब्लास्टोमा एंड सेकेंड कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन और हेरिडिटी कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कैंसर्स हमें पारिवारिक रूप से भी होते हैं, तो पारिवारिक तरीके से होने वाले कुछ कैंसर्स में आता है कैंसर ऑफ कोलन, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ ओवरी, कैंसर ऑफ ब्रेन, कैंसर ऑफ मेलेनोमा। इसके कुछ उदाहरण है रेटिनोब्लास्टोमा और कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। न्यूप्लेशिया का थर्ड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है रेशियल एंड ज्योग्राफिक फैक्टर्स। डिफरेंसेस इन रेशियल इंसिडेंस ऑफ सम कैंसर्स मे बी पार्टली एट्रीब्यूटेड टू द रोल ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, बट आर लार्जली ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफिक डिफरेंसेस अफेक्टिंग द होल पॉपुलेशन, सच एज क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, डाइट, हैबिट्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वाइट यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, मोर कॉमन कैंसर ऑफ द लंग, ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल रीजन। सेकेंड ब्लैक्स, मोर कॉमन कैंसर ऑफ द लंग, लिवर, प्रोस्टेट, पेनिस एंड सर्विक्स। थर्ड जापनीज,
हायर इंसिडेंस ऑफ कैर्सिनोमा ऑफ द स्टमक दैन अमेरिकन्स। फोर्थ, इंडियन हायर इंसिडेंस ऑफ कैर्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी एंड अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक इन द बोथ सेक्सेस। वाइल इन फीमेल्स कैर्सिनोमा ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स एंड ब्रेस्ट रन पैरेलल। धरती पर हमें विविध प्रकार के जातियों के अनुसार विविध प्रकार के लोग देखने मिलते हैं। ऐसे में विविध प्रकार की जातियों में या ग्रुप में कैंसर की घटना में कुछ हद तक जेनेटिक कंपोजिशन के रोल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ हद तक इसीलिए कि ये बड़े पैमाने पर इन्वायरमेंटल और ज्योग्राफिक डिफरेंसेस के परिणाम के कारण होता है। जैसे कि हमें धरती पर विविध जगहों में डिफरेंट रीजन्स में हमें क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, डाइट, हैबिट्स, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस देखने मिलता है। तो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वाइट यूरोपियंस और अमेरिकन्स में कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड कैंसर ऑफ कोलोरेक्टल रीजन कॉमन कैंसर्स होते हैं। ब्लैक्स में कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, कैंसर ऑफ पेनिस एंड सर्विक कॉमन कैंसर्स होते हैं। जापनीज में स्टमक कैर्सिनोमा के अधिक इंसिडेंस होते हैं। इंडियंस में कैर्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी और अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक कैंसर्स के दोनों सेक्सेस में अधिक इंसिडेंस होते हैं। फोर्थ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है नियोप्लेशिया का इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स। वी आर सराउंडेड बाय एन एनवायरमेंट ऑफ कैर्सिनोजन्स विच वी ईट, ड्रिंक, इनहेल एंड टच। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। हमारे इन्वायरमेंट में विविध प्रकार के कैर्सिनोजन्स होते हैं। हम एक कैर्सिनोजन्स के इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं, जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और छूते हैं। हम उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सिगरेट पीने से हमें कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ फैरेंक्स, लैरेंक्स एंड नेजल कैविटी, कैंसर ऑफ इसोफेगस, कैंसर ऑफ स्टमक, कैंसर ऑफ पैंक्रियाज, कैंसर ऑफ लीवर एंड कैंसर ऑफ किडनी, ये कैंसर्स हमें होते हैं। शराब पीने से हमें कैंसर ऑफ ओरोफेरेंक्स, कैंसर ऑफ लैरेंक्स, इसोफेगस एंड कैंसर ऑफ लीवर हमें होता है। तंबाकू के सेवन से हमें अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक और लंग का कैंसर हमें होता है। तो हमने इस तरह से कुछ चार प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे नियोप्लेशिया के। तो हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।